हेलो टीएस इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है वीक में स्टार्टिंग में। टीएस में आपके लिए एकदम लेटेस्ट न्यूज शेयर लेके आया हूँ, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा मैं बाय की कॉल, फाइनेंशियल कंडीशन चार्ट चेक एनालिसिस करने के बाद। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए मेरे साथ। हम लोग इसका जो फर्स्ट टाइम होगा इसका एनालिसिस, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ट्रेडर्स, मैंने आपको एक दो दिन पहले ही अभी बलरामपुर चीनी को रिकमेंड किया था, 330 रुपीज के आसपास था, और आज मतलब बहुत ही तगड़ा मूवमेंट दिखाया है शेयर ने। आज 20% ऊपर हो चुका है कंपनी का शेयर का प्राइस, और आपको सही प्राइस पे एंट्री भी मिल गई थी जिस प्राइस पे मैं रिकमेंड किया था। तो देखिए, जो रिकमेंड का शेयर था उस पे अब क्या था कि आप लोगों ने देखा ही नहीं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि सर हम लोगों को नए शेयर रिकमेंड करिए, पर आप लोग कभी भी, मैं हमेशा प्राइस इसलिए मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब बहुत लोग क्या है कि प्राइस देख के ही वीडियो को चेक नहीं करते हैं। देखिए, आप लोगों की अगर यही धारणा रहेगी कि हम लोग 5 रुपए से 10 रुपए वाले शेयर, 50 रुपए वाले शेयर, 100 रुपए वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बेहतर प्रॉफिट, तो देखिए उसमें भी बनेगा, ठीक है, प्राइस एक्शन पे प्रॉफिट है, पर आपको उससे बढ़ना पड़ेगा। आपको बड़े प्राइस के जो शेयर हैं जिनकी मार्केट कैपिटल और वैल्यू अच्छी है, उनके तरफ भी आप झुकिए। बहुत से शेयर हैं जो आपको एक मतलब थोड़े हाई प्राइस में है, 330 रुपीज़, वैसे कोई इतना भी हाई प्राइस नहीं है, पर हाँ पड़ जाता है अब, क्योंकि बहुत पैनी स्टॉक पे मैं डिस्कस कर रखा हूँ, तो काफ़ी लोग पैनी स्टॉक के ऊपर ही रहता है व्यू। तो देखिए, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये नहीं कि शेयर का प्राइस कम है तो बढ़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है उसको बहुत हाई जाने का, ऐसा भी है और नहीं भी है। तो देखिए, अभी हम लोग जिस शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो भी शुगर की ही कंपनी है। लगातार मैंने आपको 2 मंथ पहले ही एक बार बता दिया था कि आप लोगों को जो शुगर की कंपनियां हैं, आईटी की कंपनियां हैं और डेयरीज की कंपनियां हैं, उसमें जरूर से इन्वेस्ट, लर्न फ्रॉम पास्ट, ऐसा ही बिल्कुल एकदम जून के टाइम पे लास्ट ईयर हुआ था। तो क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर आईटी शेयर हो गए बहुत अच्छा चल रहे थे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि आईटी शेयर का वर्क घर से हो जा रहा था, फिर इंस्टॉल का जो यूज है इतना ज्यादा होने लग गया, उसकी वजह से शुगर की भी जो कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जिसी तरीके से रेणुका शुगर को भी रिकमेंड कर रखा था, देखिए 21.65 रुपीज से अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, उसमें भी रैली लगातार लगी पड़ी है 5% सर्किट की। बलरामपुर चीनी भी रिकमेंड किया था, और आज तो पूरा ही शुगर के जितनी भी कंपनियां थी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई है। तो अभी हम लोग इसी को द्वारी केस शुगर को चेक करते हैं कि कैसा इसका फाइनेंशियल कंडीशन है, चार्ट चेक लेते हैं, और आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट किस प्राइस पे लेना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो द्वारी केस जो है वो 72.75 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है ट्रेडर्स, और अच्छा खासा ब्रेकआउट के पास है, मतलब यहाँ से अगर अब गया तो बहुत तगड़ी रैली दिखाएगा, इसीलिए मैं आज आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें एक अच्छी मूवमेंट भी बनी पड़ी है, तो अभी ये रैली कंटिन्यू करने का भी चांसेस काफी अच्छा है, तो अभी इसी को डिस्कस करते हैं। अगस्त 11 को नेक्स्ट अर्निंग के रिजल्ट हैं, अब देखते हैं कब तक आते हैं। बाकी बेस अर्निंग रेशियो जो बेसिक वाला है अर्निंग पर शेयर, वो 4.85 है, 12.701 बिलियन की मार्केट कैप, तो अच्छी खासी मार्केट कैपिटल आ जाती है, पर बहुत बड़ी नहीं है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। डिविडेंड रेट की बात करें ट्रेडर्स तो 1.85% है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो आ जाता है 13.75, तो ठीक ठाक है, ऐसा कोई इसमें अभी दिक्कत नहीं दिख रही है। टेक्निकल इंडिकेटर जो है स्ट्रांग बाय का रिकमेंड कर रहे हैं, पर अभी हम लोग इसके चार्ट चेक लेंगे, तब हम लोग देखते हैं कि क्या अभी स्ट्रांग बाई पे करंट वैल्यू पे बाई करना चाहिए या थोड़ा डिप का इंतजार करना चाहिए। देखिए, अभी जो मार्केट कैपिटल है इंडियन रुपीज में 1260 करोड़ की है, तो अच्छी खासी मार्केट कैपिटल आ जाती है। बुक वैल्यू की बात करें ट्रेस तो बुक वैल्यू से शेयर डबल ट्रेड कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, तीनों ही चीजें बहुत बेहतरीन है, मतलब दिसंबर से जो मार्च में प्रॉफिट बढ़ा है वो 546% ग्रोथ हुआ है, तो बहुत बड़ा आ जाता है भाग। उसके बाद देखिए, डिस्टिलरी में इसका भी आ जाता है एथनॉल और इंडस्ट्रियल एल्कोहल का, इसीलिए जो इसके बिजनेस की ग्रोथ है उससे काफी ज्यादा इसको
प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, बहुत सी कंपनियों का इथनॉल की वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। बाकी रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 5.99% है, फेस वैल्यू 1 है तो स्प्लिट नहीं होगा। ऑल टाइम हाई जो गया है 80.05 रुपीज तक। प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.1% है तो ठीक ठाक है, अगर 40 से और नीचे आएगी तो दिक्कत होगी, पर अभी हम लोग सभी का देख लेते हैं कि FIs और DIs की होल्डिंग कैसी है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17.2% रहा है 1 ईयर का, तो ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.87% प्रोवाइड किया है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ट्रेस तो इतने प्राइस पे भी अगर डिविडेंड यील्ड है तो ठीक ठाक है, चल जाएगा इतना, क्योंकि रिटर्न भी आ जाता है अच्छा खासा। 1 ईयर का स्तर देखिए 23 से 75 तक का मूवमेंट दिया है। प्रो कॉन्स पे बात करें तो डेप्ट कम हुए हैं, जो नेक्स्ट अर्निंग के रिजल्ट आने हैं उसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि अच्छे नंबर आएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्रैक है 3 ईयर का ROE का वो 18.31% रहा है। बाकी हेल्थी डिविडेंड पेआउट भी मैनेज करके रखती है कंपनी 23.72% का, बहुत बेहतरीन भी नहीं है पर हाँ एक अच्छा नंबर आ जाता है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करें टेस्ट, तो पहले से नंबर तो है ये कि सुधार है, पहले से देखिए काफी बेहतरीन सुधार है। यहाँ पे आप लास्ट ईयर का देखिए और लास्ट ईयर से बहुत बेहतरीन नंबर है, लास्ट क्वार्टर से तो बहुत ज्यादा अच्छे तो है ही, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में बस 7 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे बेहतर है। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट 44 करोड़ था और इस बार का 48 करोड़ का है, तो इस दोनों ही जगह पे मतलब नंबर इस बार के क्वार्टर के बेहतरीन है। प्रॉफिट लॉस बुक पे बात करें तो वहां पे भी नंबर अच्छा आ जाता है। बाकी सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो तीनों ही चीजें काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। 1 ईयर का स्तर देखा जाए तो पिछले 12 महीने में देखिए 25%, 38% 1 ईयर का CAGR काफी तगड़ा ग्रोथ है। लास्ट ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 17 था, तो इस हिसाब से कंडीशन ठीक है। पहले से रिजर्व्स कंपनी ने इंक्रीज किए हैं, बोरोइंग्स अपनी कम की है, थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज बढ़ी है पर कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन है। देखिए यहाँ पे कैश फ्लो जो अभी का आया है वो माइनस का 2 है, मतलब लास्ट टाइम का इतना बढ़िया बिजनेस नहीं रहा है, पर अभी पिछले जो महीने से जो कह लीजिए एक तरीके से वो परफॉर्मेंस अच्छी है, तो कैश फ्लो भले ही लास्ट 1 ईयर का अच्छा नहीं था, माइनस 2 करोड़ का था, पर अभी जो कंडीशन है वो काफी बेहतरीन है। यहाँ पे डेप्टर डेज की बात करें तो पहले से इम्प्रूव हुए हैं, एक अच्छे नंबर आ जाते हैं। ROCE भी 14% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से बात करें टेस्ट तो यहाँ पे जो होल्डिंग्स है वो थोड़ी दिक्कत वाली है, पर कोई इतनी भी ज्यादा दिक्कत की नहीं है। 42.08% प्रमोटर्स की है, FIs DIs की बहुत कम होल्डिंग है, थोड़ी बहुत सी गवर्नमेंट की आ जाती है, तो पब्लिक के पास भी शेयर का जो भाग है वो काफी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा, देखिए मैं ऐसे किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, हम लोग खुद रिटेल इन्वेस्टर से ही आते हैं, पर हाँ इन कंपनियों में मैं देखा हूँ जिन शेयरों का प्राइस 100 से कम का है उसमें रिटेल इन्वेस्टर की जो कंपनियां बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है उसमें पक्का रिटेलर की इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा होगी, तो ये चीज का भी रहता है। पर इससे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि पब्लिक के पास है तो कोई दिक्कत आ जाएगा, कंपनी को कोई नुकसान है, पर हाँ जब पब्लिक के पास होता है, रिटेल इन्वेस्टर के पास होता है, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा शेयर में रहता है और कोई दिक्कत नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो लॉन्ग खेलने वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बिगनर्स हैं जो अभी काफी टाइम पहले से या तो उनको नॉलेज अच्छे से, तो वो नहीं फंसेंगे कि ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे घबरा जाए और एग्जिट कर लें, जो टारगेट है उससे पहले ही प्रॉफिट बुक कर लें, ये सब चीजों का डर रहता है, मतलब माइंड से खेलने वाली चीज हो जाती है, तो इस चीज का बाकी और कोई दिक्कत नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न से। अभी हम लोग चार्ट पे बात करें ट्रेस तो देखिए बाइंग अच्छी आई है, आपको इस पे बाई का जो रिकमेंडेशन मैं करने वाला था वो 70 रुपीज से लेके आप इसको जो 72 पे ही है तो 70 से 71 के अराउंड आप इसको बाई करिए, और जो अभी हम लोग क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर देता है जो कि 75 वाला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, एक बार बोलेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, पर हाँ रेजिस्टेंस ही मान लीजिए, अगर इसको ब्रेक कर देता है 75 को तो हम लोग इस पे 78 और उसके बाद 89 तक के टारगेट देख सकते हैं। देखिए डिविडेंड का भी अनाउंस किया है 1.25 रुपीज का, डेट जो थी वो 12 जुलाई को है और पेमेंट डेट है जो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे वो 19 अगस्त 2021, तो काफी लेट इसका डिविडेंड पेड का है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग रिकॉर्ड डेट के बाद तो आप इसमें से अगर प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाते हैं तब भी आप डिविडेंड तो मिलना ही है, तो इस हिसाब से आपको टारगेट लेके चलना है, और जब तक नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे तब तक हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि इसके जो शेयर का प्राइस है वो 90
से अबव होगा। ओवरऑल यही था अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ईयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।